आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव का बिगुल बजते ही सभी दलों के नेताओं ने गांव का दौरा चालू कर दिया है, जहां पर टिकट पाने की होड़ में शीर्ष नेतृत्व को प्रसन्न करने के साथ साथ ग्रामीण मतदाताओं में भी रुझान पैदा करने को लेकर घर घर पहुंचकर जहां प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं, वहीं सभी दल के नेता अपने अपने पार्टियों को मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में पूर्व राज्य मंत्री रहे मदन लाल बिंद कई वर्षों से 78 लोकसभा क्षेत्र भदोही के चुनाव मैदान में उतरकर लगातार जनसंपर्क अभियान चलाने में जुटे हुए हैं, जहां वे मतदाताओं की गांव में पहुंचकर घर घर जाकर भाजपा सरकार की नियुक्तियों व उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी मतदाताओं को दे रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को उनके द्वारा विधानसभा क्षेत्र हंडिया के कई ग्राम सभाओं में पहुंचकर जनसंपर्क करते हुए नागरिकों को मिलकर उन्हें कुशल सेम भी पूछ रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने के लिए राजनीतिक चर्चाएं भी करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री रहे मदन लाल बिंद द्वारा काफी विकास कार्य कराया गया था, साथ ही साथ जनता के बीच में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई गई थी, जिसको लेकर वे लगातार भदोही, ज्ञानपुर, औराई, हडिया, प्रतापपुर में अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। देखिए, शीर्ष नेतृत्व तक मेरी बात पहुंची हुई है जो। और जहां तक मुझे संभावना है कि शीर्ष नेतृत्व मुझ जैसे कार्यकर्ता को जो बूथ से लेके क्षेत्र तक काम किया है, निश्चित रूप से उसके ऊपर ध्यान होगा और शीर्ष नेतृत्व जरूर मुझे उम्मीदवार बनाने का प्रयास कर रहा है, ऐसी संभावना मैं व्यक्त करता हूं। यदि शीर्ष नेतृत्व ने मुझे उम्मीदवार बनाया तो निश्चित रूप से यह 78 लोकसभा सीट से कम 1.5 लाख वोट से हम लोग जीतने का प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% हम जीतने का काम करेंगे।